Assalamualaikum, welcome back to my channel, me Nishu. आज मैं फिर लेके आई हूँ एक फेशियल किट. तो भी कह रहे होंगे कि भाई फिर से फेशियल किट, इतने ज्यादा फेशियल किट पहले से रिव्यू कर दिए हैं, फिर से एक फेशियल किट. भाई ये मेरा काम है, आगे भी फ्यूचर में बहुत सारे फेशियल किट का मैं रिव्यू करती रहूंगी. आज का ब्लश फेशियल किट का रिव्यू करने में जा रही हूँ. सबसे पहले तो इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा हुआ है व्हाइटनिंग, एंड मैंने इनसे बोला भाई व्हाइटनिंग शाइनिंग को मैंने प्रमोट नहीं करना. इन्होंने कहा दसो क्यों. मैंने कहा भाई अपनी स्किन में खुश रहे, चाहे गंदमी हो, चाहे सफेद हो, चाहे थोड़ा सा रिच कलर हो, तो अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं, अल्लाह के कामों में बिजली की तारों में उंगलियां नहीं मारनी चाहिए. सो यू नो अभी बहुत सारी लड़कियां कहेंगी कि भाई आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप फेयर हैं. नहीं बच्चाओ, मैं अगर गंदमी रंग की भी होती ना, मेरा यही नजरिया होता. शुरू शुरू में बहुत व्हाइटनिंग शाइटनिंग प्रमोट कर दिया क्योंकि भाई यूट्यूब पे चलता ही व्हाइटनिंग है, लड़कियां पागलों की तरह व्हाइटनिंग वीडियोज खोल देती हैं. लेकिन फिर यू नो यहाँ तसल्ली नहीं थी, यहाँ मुतमईन नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी बंदी नहीं थी जो कि वाइटनिंग प्रोडक्ट को जो है वो शेयर करे. ये क्या था. तो फिर मैंने सोचा भाई निशु वो काम कर जिसमें दिल को तसल्ली मिले, ठीक है, इंसान को तसल्ली मिले वो नहीं करना, दिल को तसल्ली मिले वो करना है. तो मैंने इनको बोला भाई मैं वाइटनिंग शाइटनिंग प्रमोट ना कर सा. देन इन्होंने मुझे मैसेज किया जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप लोग खुद भी पढ़ लो. इन्होंने बोला कि इसमें कोई ब्लीचिंग एजेंट वगैरह नहीं है जो कि आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो. देन आई थॉट लेट्स टेस्ट इट आउट. तो मैंने इसको 3 बार यूज किया है एंड रिजल्ट मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करूंगी. मैंने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया, सुबह फेस धोया था और उसके बाद थोड़ा सा फेशियल ऑयल लगाया क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है. एंड अब फेशियल किट यूज करके आप लोगों को दिखाऊंगी इसके रिजल्ट. सो सबसे पहले बाल शाल बांध लेते हैं, ठीक है. एंड सबसे पहला स्टेप जो है ना वो है इसका क्लिंजर. ये रहा इसका ब्रोशर, ठीक है. इसमें है ये प्रोडक्ट्स, पीछे से ये कुछ इस तरह से दिखता है. एंड इसमें टोटल जो है वो 7 स्टेप्स हैं. पहला क्लिंजर, फिर टोनर, स्क्रब, सीरम, रेडियंस क्रीम, इंटेंसिव मास्क, बैलेंस क्रीम. तो लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले मैं यूज करने जा रही हूँ ब्लश द फेस प्रोफेशनल का क्लियर स्किन व्हाइटनिंग डीप क्लीन क्लिंजर जो कि इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, ठीक है. सो ये कुछ इस तरह से दिखता है. पैकेजिंग इस किट की बहुत खूबसूरत है. इसमें से जब प्रोडक्ट ना निकले आपने इसको 1, 2, 3 एंड फिर निकला मनोज निकला है. प्यार की तो जुबान जानता ही नहीं है ना, मार की जुबान जानता है. इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट निकलता है यूं करके, देखिए. अच्छा जी, तो इस क्लिंजर की कंसिस्टेंसी बहुत थिक है जो कि पंप से इजीली नहीं निकलता, तो आपने इस टेक्निक से क्लिंजर को निकालना है. डेली बेसिस पे मेकअप करते हो तो भी आप ये क्लिंजर रात में यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये आपके फेस पर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, मेकअप को रिमूव करता है. इवन जब आप इसको इस तरह से जेंटली अप्लाई करो, मसाज करो, तो आप एक बेबी वाइप्स ले सकते हो और उससे रिमूव कर सकते हो. होता क्या है उससे कि आपका मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है. या आप कोई वेट स्पंज यूज़ कर सकते हो इसको रिमूव करने के लिए. अगर वो भी नहीं है तो आप जो है नीम गर्म पानी, मतलब आजकल तो धूप इतनी तेज पड़ती है कि नीम गर्म आप पे ही हो जाता है, तो उससे आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है और ये इंस्टेंटली आपके फेस को ब्राइटन अप कर देता है, फ्रेश कर देता है और बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट कर देता है. यूज करोगे तो पता लगेगा. ओके, सो स्टेप 2 है इनका टोनर. टोनर मैं हमेशा सिर्फ तभी यूज करती हूँ जब फेशियल करती हूँ. फेशियल के अलावा मैं इनका टोनर यूज नहीं करती. मैं या रोज वाटर या अपना ही टोनर यूज करती हूँ जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज करती आ रही हूँ. सो ये टोनर जो है मैं थोड़ा सा कॉटन पैड पे लूंगी और अपने फेस पर अप्लाई करूंगी और उसके बाद स्क्रबिंग करेंगे. हम टोनर को पहले क्यों लगाते हैं, क्योंकि टोनर को हम पहले इसलिए लगाते हैं ताकि फेस का जो पीएच लेवल है वो बैलेंस हो जाए और स्क्रबिंग के दौरान जो है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर आपके फेस पर से निकले ना और आपका फेस जो है वो ड्राई ना हो. इसलिए टोनर स्क्रबिंग से या फेस मास्क लगाने से पहले बहुत जरूरी है, ठीक है. धूप आ रही है जा रही है तो लाइट थोड़ी सी आपको लग रही होगी, कभी डार्क हो जाता है कभी ब्राइट हो जाता है, तो इग्नोर दैट, ठीक है. आपने थोड़ा सा टोनर लेना है, ठीक है. और कभी अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए तो आप टोनर को लेकर इस तरह से, ठीक है, शीट को ओपन करके कॉटन पैड जो है, ठीक है, एक कॉटन पैड लेके या 2-3 लेके, ठीक है, इस तरह से टोनर लगाएंगे और फिर उसको
मतलब अलग अलग हिस्से पे इस तरह से अप्लाई कर देंगे। इससे होता क्या है, मतलब एज अ शीट मास्क यू नो, अभी तो मेरी स्किन ड्राई नहीं है, फटाफट ये अप्लाई कर लेते हैं। पोर्स को मिनिमाइज करता है और बच्चे कुछ एक गंद को निकाल बाहर करता है। अच्छा, जो टोनर है ना ये लगता है थोड़ा, ठीक है ना, अगर बहुत ज्यादा लेंगे जितना कि मैंने लिया है, इतने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आप लोगों ने और फिर उसको अप्लाई करना है अपने फेस पे। मतलब लगता मरार कि आपकी नाक को लगेगा और आपकी आंखों को थोड़ा सा लगेगा। ओके, सो टोनर लग गया। अब थर्ड जो है स्टेप वो है स्क्रब। सो स्क्रब में फटाफट लगाऊंगी। सो स्क्रब की ट्यूब दिखती कुछ इस तरह से है, ठीक है, क्लोजअप में आपको दिखा देती हूँ। सिंपल सी बात है, स्क्रब होता क्या है, स्क्रब जो है आप हफ्ते में दो बार यूज़ करते हो डेली रूटीन में, अगर आपने यूज़ करना हो। अगर आप ये फेशियल किट यूज़ कर रहे हो तो हफ्ते में एक बार इसे यूज़ कर सकते हो। स्क्रब आपकी स्किन पर से डेड स्किन को रिमूव करता है, आपने इस तरह से जेंटली मसाज करना है। मेरी आईब्रोज के नीचे भी डेड स्किन होती है, मैं उसको मसाज करके और फिर फेस वॉश कर लेती हूँ। आपने 5-6 मिनट के लिए नहीं स्क्रब करना, 2 मिनट के लिए अगर सेंसिटिव स्किन है और आपकी स्किन जो है वो स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाती है। तो स्क्रब धो लिया मैंने, स्किन मेरी मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो गई है। आई डोंट नो कि इन्होंने मक्खन ऐड किया बीच में या क्या, बट बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड ड्राई तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है बहुत जरूरी, वो है इनका वाइटनिंग सीरम, ठीक है, क्लियर स्किन वाइटनिंग सीरम। ये फोर्थ स्टेप है, हर एक बॉटल पे अपना अपना नंबर लिखा गया है कि कौन सा स्टेप कौन से नंबर पे है। तो अब हम इसको लगाएंगे, ठीक है। वाइटनिंग से मतलब के ब्राइटन अप कर देता है आपकी स्किन, इसमें कोई वाइटनिंग या ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज नहीं है जो कि आपकी स्किन को लाइट करे, ब्राइट करेगा, टैनिंग वगैरह है उसको रिमूव करेगा, लेकिन वाइटनिंग नहीं। अच्छा, तो ये वाटर बेस्ड सीरम है, ठीक है, ऑयली शॉयली बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पे लगाया ही नहीं। वैसे अमूमन जब भी मैं स्क्रबिंग के बाद सीरम अप्लाई करती हूँ तो मेरी स्किन में थोड़ी बहुत टिंगलिंग सेंसेशन होती है, मतलब थोड़ा बहुत बर्न होता है, लेकिन इस सीरम को अप्लाई करने के बाद कोई जलन शलन नहीं हुए, इवन मेरी स्किन जो है ना वो टाइट हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप है रेडियंस क्रीम बाय ब्लश द फेस, और इस ट्यूब में आपको मिलेगा 100 ml, हर एक ट्यूब में सेम क्वांटिटी है। तो क्या करना है, आप लोगों ने अपने फेस पर अप्लाई करना है, जेंटली मसाज करना है 2-3 मिनट तक एंड फिर उसको वॉश कर देना है, जैसे कि हम लोग फेशियल में मसाज क्रीम यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको यूज करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो यूज कर सकते हो। अच्छा जी, तो ये किट जो है ना ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, ठीक है। इनका जो टोनर और क्लिंजर था उसमें आपको मिलेगा 150 ml प्रोडक्ट, और जो ट्यूब्स हैं इनमें आपको 100 ml मिलेगा। मसाज करने का तरीका ये है, आपने जेंटली इसको मसाज करना है अच्छे तरीके से और फिर फेस वॉश कर देना है। थोड़ी धूप निकल आई है, थोड़ी रोशनी हो गई है, बट द बेस्ट 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 फेशियल, मैं तो किसी ने भी नहीं दे सका। सो नेक्स्ट स्टेप है इनका फेशियल मास्क, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाइटनिंग इंटेंसिव मास्क, ब्यूटिफाई फेस। मास्क में मौजूद जो विटामिन्स हैं वो आपकी स्किन को ब्राइटन अप कर देते हैं। आपने इवनली इसको अपने फेस पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये क्रीम फॉर्म में है तो ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन आपने 15-20 मिनट्स बाद इसको अच्छे से वॉश कर देना है या गीले स्पंज से आप इसको रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम चेक कर रही हूँ जिस पर मैं डेली रूटीन पर अपनी स्टोरीज वगैरह शेयर करती हूँ, अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक मेंशन है। सो यहाँ पे मैंने फेस कर लिया वॉश एंड माय स्किन फील सो सॉफ्ट, कुची मुची मुंह बुबली बुबली बुश, यू नो, बहुत ही सॉफ्ट नीट एंड क्लीन। सो अब है इसका लास्ट स्टेप इनकी बैलेंसिंग क्रीम, ठीक है, जो कि आप हर सुबह जो है वो अपनी मॉर्निंग रूटीन या नाइट रूटीन में भी यूज कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ फेशियल के बाद इसको थोड़ा सा लेके यूज करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इनका ये सीरम अप्लाई कर देती हूँ क्योंकि इससे मेरा फेस इतना टाइट हो जाता है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ कि ये मैं अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर दूँ ये वाला सीरम, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, और ये वाली क्रीम जो है ये बहुत ही ज्यादा थिक और रिच है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है
ठीक है, तो आप इसको सिर्फ रात में थोड़ी सी मुन्नो सी यूज करोगी। वैसे तो ये फेशियल जो है ऑल स्किन टाइप के लिए, लेकिन मैं रिकमेंड इसलिए कर रही हूँ, इस तरह से बता रही हूँ कि ये थोड़ी सी थिक एंड रिच है, तो अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है तो मेक श्योर के इसको जो है आप रात में यूज करो। तो उससे पहले मैं पहले ही सीरम यूज करूंगी फटाफट। अच्छा भाई, तो सूरज आ रहा है ते जा रहा है, ते आ रहा है ते जा रहा है, या बरस जा या गरज जा, कुछ कर जा। मतलब बादल हैं और लगता तो ऐसे ही है कि बारिश होगी, और सूरज जो है ना वो कभी छुप रहा है, कभी शक्ल दिखा रहा है, तो मेरी जो वीडियो है उसमें कभी अंधेरा हो जाता है तो कभी रोशनी हो जाती है। खैर, सो ये रहा मेरा फाइनल लुक। ठीक है, क्रीम लगने से पहले अभी फटाफट मैं क्रीम लगा लेती हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके, बिल्कुल इतनी सी। ठीक है, चुन्नो मुन्नो सी क्रीम में लगा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी, स्मेल सो गुड। तो इस क्रीम में है रिच विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी स्किन को करते हैं प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइज। एंड ये रहा मेरा फाइनल रिजल्ट फेशियल का, जिससे मैं बहुत 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 ज्यादा मुतमईन हूँ। मैंने बहुत सारे फेशियल यूज किए हैं, बहुत ज्यादा फेशियल्स यूज किए हैं, लेकिन इस फेशियल किट का जो रिजल्ट है मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी स्किन बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और जब भी मैं स्क्रब मास्क और ये बहुत सारी चीजें यूज करती हूँ ना, तो मैं मसाज क्रीम नहीं यूज करती क्योंकि मेरी स्किन फिर थोड़ी बहुत जलती जुलती है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी मैं ये फेशियल यूज करती हूँ मेरी स्किन बिल्कुल ठीक रहती है, बिल्कुल जलती नहीं है, कुछ भी नहीं होता। मुझे टोटली रिकमेंडेड है, अगर मुझ पे भरोसा है तो मेरी बहनें ये खरीद सकती हैं, इसे यूज कर सकती हैं। तमाम डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिए हैं, जाइए भाई घूमिए फिरिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत सारी लिंक्स वगैरह हैं, जो कुछ चाहिए वहां से परचेज कर लीजिए आंखें बंद करके, क्योंकि निशु आपको कोई ऐसी चीज रिकमेंड नहीं करेगी जो कि आपके लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हो। मैं कहूँगी क्या वर्ड यूज करूँ, गलत हो या हार्मफुल हो, हार्मफुल हो, ठीक है ना। तो भाई दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।